मथुरा से हेमा मालिनी लगातार तीसरी बार बनी सांसद। हेमा ने कहा, जो भी बच्चे विकास कार्य है सभी को पूरा करूंगी। मथुरा संसदीय सीट से लगातार तीसरी बार जीत का परचम लहराने वाली भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने कहा कि वे श्री कृष्ण की आधुनिक दौर की मीरा हैं। उनका संकल्प ब्रज को चमन बनाने का है। मंगलवार को चुनावी नतीजे आने के बाद उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों से मतदान से पूर्व किया एक एक वादा उन्हें याद है। अगले 5 साल में यहाँ के औद्योगिक और धार्मिक विकास पर काम करूंगी। यमुना जल शुद्धिकरण, मथुरा में एयरपोर्ट और कृष्ण थीम पार्क पर उनकी प्राथमिकता है। हेमा मालिनी ने कहा कि उन्होंने जनता से वादा किया था कि इस बार लोकसभा में पहुंची तो मथुरा के लिए एयरपोर्ट बनवाने का प्रयास करूंगी, यह वादा मैं पूरा करूंगी। वही यमुना पर कहा कि वहां काम करने की जरूरत है, मथुरा के लोग उसको लेकर बोलते भी हैं। उनको बताना है कि यह मेरे अकेले के हाथ में नहीं है, 3 राज्य दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को एकजुट होकर यमुना को स्वच्छ करने को काम करना है। यमुना जल शुद्धिकरण की प्राथमिकता में है। इसके अलावा ब्रज 84 कोस परिक्रमा के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि ब्रज के विकास के लिए पिछले 2 कार्यकाल में बहुत काम किया, मगर अगले 5 साल में बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि विरासत को सहजते हुए विकास पर काम करना होगा, इससे ब्रज में पर्यटन और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। औद्योगिक विकास को लेकर कहा कि यहां के पारंपरिक साड़ी और चांदी उद्योग को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, उस पर उद्यमियों के साथ बैठक कर प्लान तैयार किया जाएगा। तीसरी बार मुझे फिर क्या कहते हैं, 300 बार हो गया ना। थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सबको करती हूँ, सारी जनता का करती हूँ, हमारे मथुरा के सारी जनता को और पूरे ब्रजवासियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे वापस तीसरी बार सांसद बनने का अवसर दिया है। और उसके हिसाब से मैं भी बहुत सारा काम यहाँ जो बचा हुआ है उसको मैं करके रहूंगी। अभी मैडम मथुरा के लिए क्या प्लान रहेगा? बहुत सारे प्लान है, अभी बताएंगे हम आपको, आप देखते जाएंगे कैसा। अगले महीने से सारा काम शुरू हो रहा है, जैसे हमारे दिल्ली में सरकार बन जाएगी तो सारा काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। मैडम अयोध्या को लेकर की बात करें तो अयोध्या चुनाव पूरा अयोध्या भी था, कैसे देखते हैं अयोध्या? वो बड़ा समझ में नहीं आ रहा मुझे ऐसा कैसे हुआ करके, अभी हम उसके विषय में बाद में बात करेंगे क्या हुआ करके। 400 पार जो नारा था वो एक्चुअली हमारे सारे कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित उत्साहित करने के लिए, के काम करने के लिए, दैट इज द मेन। एक टारगेट होता है, जैसे टारगेट के हिसाब से किया है, दैट डजंट मीन कि उसको पार करना जरूरी है, बट जो भी मिला है इट्स वेरी नाइस। अभी आगे देखेंगे, मैं ज्यादा अभी इस वक्त कुछ बोल नहीं सकती हूँ, फिर बाद में देखेंगे। थैंक यू, थैंक यू। राजीव अकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, 7th rank ऑफ MBA बाय AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.